गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज योगेश का बर्थडे है। मैंने आज कोई बर्थडे का सरप्राइज प्लान नहीं किया है कि योगेश अभी 24/7 मेरे साथ ही रहते हैं। अभी कोई जिम भी उनकी चालू नहीं है कि मुझे 2 घंटे का कोई टाइम मिल जाए उनके लिए मैं कोई बर्थडे सरप्राइज प्लान करूं। बट कोई नहीं, सरप्राइज नहीं हुआ तो क्या हुआ। मैंने बर्थडे का प्लान तो ज़रूर किया है, और वो क्या है इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना ज़रूरी है, तो वो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अभी मुझे आज बहुत सारे काम है, बर्थडे का डेकोरेशन सामान लेके आना है, केक लेके आना है, और शाम को डेकोरेट भी करना है घर को, और स्पेशल डिनर भी बनाना है। सो क्विकली अब मैं सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ और फिर चलते हैं बाहर शॉपिंग के लिए। अभी मैं जा रही हूँ बर्थडे का सामान लेने, कुछ डेकोरेशन का और केक लाने। सो देखते हैं मेरा बर्थडे का प्लान कैसे जाता है, जिस तरह से मैंने प्लान किया है। क्योंकि नॉर्मली मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जिस तरह से प्लान करती हूँ ना वैसा होता नहीं है। बट लेट्स सी, आई होप फॉर द बेस्ट। जगह जाना है, लाइक अलग अलग जगह से सारी चीज़ें पिकअप करनी है। डॉलर आमा से मुझे सब बर्थडे का डेकोरेशन सामान लेना है, कॉस्को से केक पिक करना है, और मैंने कुछ ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर की थी वॉलमार्ट से, सो मुझे वो पिकअप करना है। एंड फिर घर पे आने के बाद सारी चीज़ें जगह पे रखने के बाद मुझे डिनर की प्रिपरेशन करनी है, फिर डेकोरेशन करना है। मैं इनिशियली 80% सारी कुकिंग रेडी करके रख दूँगी डिनर के लिए, कि शाम को बस बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद फटफट मेरा खाना बन जाए। सो ये सारा काम करना है, और बेबी के साथ इतना सारा काम करना इन अ डे इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि लाइक मेरा इवनिंग 7 o'clock तक सारा काम हो जाए, बर्थडे डेकोरेशन वगैरह सब हो जाए। सो लेट्स सी कितना होता है मेरा काम। योगेश तो अपने ऑफिस के काम में बिजी है, आज मुझे सब अकेले करना पड़ रहा है। क्या ले रही है यहाँ से, क्या होल्डर वाइट ले रही you brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. अभी मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं 80% प्रिपरेशन अभी करके रखूँगी, और लास्ट में बस डेकोरेशन करने के बाद, बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद, जस्ट लास्ट 20 मिनट में जो बोलते हैं खाना गर्मा गर्म परोसने जैसा, उतना ही लास्ट मेरा काम बचे उतना मैं रखूँगी। बाकी सब अभी मैं करके रख दूँगी। अभी मैं डेकोरेट करके नहीं रख सकती पहले, क्योंकि आई भी सारे बलून्स फोड़ देगी तो मेरा डेकोरेशन पूरा ख़राब कर देगी। तो वो मैं डेकोरेशन का काम बाद में करूँगी, पहले मैं डिनर की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। योगेश का प्लान था कि आज खाना बाहर से ऑर्डर करे, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज उससे अच्छा डिनर बना सकती हूँ स्पेशल, और एंड आई होप कि योगेश को वो पसंद आए मेरा डिनर। और आज का डिनर एकदम स्पेशल है, मैं फर्स्ट टाइम सारी डिशेज बना रही हूँ, मैंने कभी बनाया नहीं है। तो देखते हैं, आज मेरा एग्जाम ही है कि लाइक बर्थडे के दिन कुछ नया ट्राई कर रही है, और पसंद नहीं आया तो योगेश का मूड खराब हो सकता है कि लाइक ये क्या बनाया तूने, इससे अच्छा तो मैं बाहर से ऑर्डर कर लेता। We'll keep the fire burning.
खाना तू खाना पहले बर्थडे पार्टी खत्म हो गई है हाँ। तो कैसी लगी बर्थडे पार्टी आपको अच्छी थी पहली बार इसने डेकोरेशन किया है मेरे लिए क्योंकि मैं नॉर्मली बर्थडे सरप्राइज प्लान करती हूँ इस बार लाइक नॉर्मली वैसे तो योगेश लाइक 3 साल से वर्क फ्रॉम होम ही है इनका बट दिस ईयर कोविड है तो लाइक ये जिम भी नहीं जाते नहीं तो एवरी ईयर ये जो जिम का 2 घंटे का टाइम है ना मुझे वो लाइक सरप्राइज प्लान करने के लिए इनफ होता है बट अब तो जिम भी नहीं जाते तो मैंने सोचा कि लाइक सरप्राइज प्लान तो नहीं पर बर्थडे प्लान तो कर ही सकते हैं ये अच्छा था आज का और डिनर कैसा था जो मैंने इतनी डिनर और जरा अपने ऑडियंस को बताओ कि लाइक आज डिनर में क्या क्या था मेन्यू आपका तो आज का डिनर बहुत ही यूनिक था मेरे लिए मैंने कभी खाया नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल लज़ानिया था जो वेस्टर्न डिश है फिर उसके बाद इसने कुछ पनीर थ्रेड करके कुछ स्टार्टर है तो पता नहीं कहाँ से ढूंढा इसने क्या किया बट बनाया इसने पनीर थ्रेड और उसके बाद था सेज़वान फ्राइड राइस जो हम लोग खाते रहते नॉर्मली तो ये 2 चीज़ नई थी मेरे लिए लज़ानिया और ये और वो दोनों ही सुपर्ब थे सरप्राइज नहीं था लेकिन सरप्राइज के जैसे ही था मेरे लिए तो वही क्योंकि मैंने आज क्या किया इनके लिए कि बर्थडे पार्टी सरप्राइज नहीं रखी है बट मैंने फूड इनके लिए सरप्राइज रख दिया कि इनको नहीं पता था एक्चुअली इन सामान से क्या डिश बनने वाली है ये था मेरा आज का बर्थडे ब्लॉग एंड आई होप हमेशा की तरह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है इसे लाइक करना है शेयर करना है सब्सक्राइब करना है एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ टिल देन बाय